ये सिविक नया मॉडल खड़ी है, ये वाला ले लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मैं हूँ जी इब्राज जावेद, और आज क्या करते हैं जी, मज़ेदार व्लॉग शुरू। यार आज जो है ना जुमा है, तो जल्दी जल्दी जो है ना हम तैयार हो गए और जुमा पढ़ते हैं जी। और आज देखो यार, मौसम ज़रा कितना मज़ेदार है, धूप फुल धूप निकली हुई है। तो मैं और मेरे साथ एक नौजवान है, आधा पौना घंटा हो गया तैयार हो रहा है, वो किधर गया, मतीन। और मैं आपको ये दिखाता हूँ कि यार ये देखो, इस पे अल्लाह का नाम लिखा हुआ था, तो हम जो है ना इसलिए ये उठा के ले आए। और यार एक बंदा बड़ी देर से तैयार हो रहा है, वो देखो घंटा हो गया मैं इसकी वजह से वेट कर रहा हूँ, घंटा हो गया मैं इसका वेट कर रहा हूँ और अभी तक जो है ना तैयार नहीं हुआ। खैर अभी टाइम जो है ना काफ़ी ज़्यादा टाइम हो रहा है, तकरीबन 2:15 हो गए। और जुमा जो है ना, यहाँ पे आपको पता है कि बड़ा शहर है, मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ टाइम्स में जुमा होता रहता है, तो ज़्यादा देर नहीं करते, निकलते हैं जुमा पढ़ने। जनाब ये देखें नाज़रीन, अवाम जुमा पढ़ के आ रही है और हमने भी पढ़ लिया साथ में। मतीन झूठ ना बोल, सही बता क्या हुआ। कुछ नहीं, पढ़ के बस इधर से आ रहे हैं। तुम कैसे व्लॉग बनाई जा रहे हैं? नहीं नहीं व्लॉग नहीं बनाई, आप अपनी गलती ना छुपाओ, बताओ क्या हुआ। हाँ। पड़ा है तू उधर बैठे यार, इस बंदे को मैंने कहा कि 20 मिनट है, जल्दी जल्दी नहा ले। 10 मिनट में नहा के तैयार हो गया। और इस बंदे की वजह से आज हमारा जुमा रह गया, इस बंदे की वजह से। मतीन हमेशा तेरी वजह से रह जाता जुमा। क्यों जी, पहली दफा तो मेरे साथ पढ़ने आया है। पहली दफा क्यों पढ़ने आया, इकट्ठे पढ़ने आते हैं यार इतनी देर से। यार मतीन बंदे का देखो, मैं यार ये मेरे 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 जुम्मे ना पढ़ने का गुनाहगार आज मतीन होगा। चले खैर चलते हैं घर, और जब वहाँ जाके ना नमाज पढ़ लेते हैं, फिर यही हाल है। यार एक तो इस बंदे की वजह से जुमा नहीं पढ़ हुआ, और दूसरा अब जो है ना हम कुछ खाने पीने आए हैं और ऑर्डर करना है। अब मुझे कही जा रहा है कि नहीं यार तू ऑर्डर कर। हाँ भी बताओ क्या कर रहा है यार, ऑर्डर कर गाते गाते तो ऑर्डर कर दे। चने खाने हैं यार, जैसे यार चल दास दे यार। चलो यार चल, मैं तुझे नहीं कहता कि तेरी वजह से जुमा रह गया, चल बता यार। तेरी वजह से रहा नाज़रीन, ये आप कमेंट्स में बताएं, आप कमेंट्स में बताएं कि किसकी वजह से रहा है। एंड टाइम पे भी आपने देखा है कि ये कंघा कर रहा था बालों में ये कंघा कर रहा था, अभी तक बाल बना रहा था, मैंने इसको ज़बरदस्ती निकाला। भाई जान फिर आप ऐसे करें कि एक जो है ना वो ला दें, चने ला दें, और हाँ नान ला दें, तो एक फिलहाल एक ला दें, फिर बाकी बाद में मंगा दें हम दोनों। हाँ एक ज़्यादा हो जाएगा, एक चने हाफ और एक नान। तो लो जी महाराज जो है ना नाश्ता आ गया जी, और अब ज़रा चेक करते हैं, अगर आपने भी खाना है तो मोस्ट वेलकम। मतीन कैसा है? नॉर्मल है। चलो मैं भी खा के चेक करता हूँ, अगर आ जाएँ अगर आपने भी खाना है। और लाहौर में यूजली जो है ना 2 बजे के बाद जो है ना ज़्यादा अच्छे चने मिलते हैं, लेकिन देखो ये कैसे अच्छे हैं बुरे नहीं हैं। लो जी आप जानते होंगे कौन बंदा है यार, वन एंड ओनली उस्मान साहब आ गए जी। अस्सलाम वालेकुम सर, ब्लॉगिंग शुरू कर ली है। ब्लॉगिंग शुरू। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं जी? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है, खैरियत से पहुंच गए जी, अल्लाह का शुक्र। चलो जी चलते हैं जी। जैसा कि आपने देखा है जी, उस्मान साहब पहुँच गए हैं जी। उस्मान साहब क्या करने हैं, गाड़ियों के शोरूम पे फिर रहे हैं, क्या कर रहे हैं यार? दुआ कर रहे हैं, गाड़ी लेने आए हैं, गाड़ी मिल जाए अच्छी सी। अच्छा तो यार उस्मान जो है ना गाड़ी लेने आया हुआ है, तो इसने मुझे कहा यार चल तू भी हमारे साथ चलो, ज़रा पाकिस्तानी कल्चर का वाह सारे बंदे लेके जाने हैं। क्यों उस्मान? उस्मान फिर इधर फिर कौन सी गाड़ी लेनी है? मैं तो कहता हूँ कि यार ये सिविक नया मॉडल खड़ी है, ये वाला ले लो या किया ले लो, क्या कहते हो उस्मान? मैं तो कहता हूँ यार बात सुनो, फॉर्चूनर ले लो यार, तेरे तेरे पे ना सूट भी करेगी। उस्मान का माशाल्लाह कद भी 6 फीट से ज़्यादा, तो उस्मान सूट करेगी यार तेरे पे। ये ला देगा, फॉर्चूनर भी देगा। नहीं लेनी फॉर्चूनर है यार, हमने क्या ख्याल है? सस्पेंस कुछ तो रहने दो। अच्छा सस्पेंस, चलो फिर बताते हैं आपको हम कौन सी गाड़ी फाइनलाइज कर रहे हैं यार। फाइनली जो है ना गाड़ी फाइनल हो गई है सिविक, और उस्मान साहब इस टाइम चाबी ले रहे हैं। तो लो जी फाइनली जो है ना हम गाड़ी लेके वहाँ से निकल आए हैं। तो उस्मान साहब आपको जो है ना बहुत बहुत मुबारक हो यार, अल्लाह कुछ कहना चाहेंगे सिविक लेने के बाद?
सिविक मेरे पास थी पहले, फिर दरमियान में मैंने जरा बेच दी। ऐसे ही है, ऐसे ही है। बेचने के बाद मुझे फील हुआ कि नहीं भाई, सिविक सिविक ही है, यही लेनी पड़ेगी। हाँ तो और क्या कहना चाहिए? तहिया कर लिया था जिस दिन मैं लेके आया था कि भैया मैं बेच के दोबारा सिविक लूंगा, आज इंशाल्लाह माशाल्लाह दोबारा मैंने ले लिया। चलो जी उस्मान साहब, आपको बहुत बहुत ज्यादा मुबारक हो। तो इंशाल्लाह जो है ना, आप हम कहीं खाने पीने जाते हैं तो कुछ खाना पीना करते हैं, और इसी के साथ जो है ना आज का जो व्लॉग ख़त्म करते हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह सबको दे, आपका भाई भी लेगा किसी दिन सिविक। यार दोस्त है तो दोस्तों की खुशी में हम भी शामिल होते हैं, तो इसने ली मैंने ली, एक ही बात है। तो बहरहाल अब ऐसे है कि ये व्लॉग यहाँ पे ख़त्म करते हैं जी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। ओका, मिलते हैं जी अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।